हाय फ्रेंड, आज हम स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन भी आपके लिए नया है और फंक्शन भी आपके लिए नया है। स्टैंडर्ड 1 to 10 में आपने कभी रिलेशन नहीं पढ़ा है, कभी फंक्शन नहीं पढ़ा है। सो हम आज ऐसा ही एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन के डेफिनेशन देखने के पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? तो सपोज ए एंड बी टू आर नॉन एम्प्टी सेट। सो ऐसा लिख सकते हैं कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, मीन्स ए एंड बी टू आर नॉन एम्प्टी सेट है। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी and it is defined by a cross b equals to x y such that x belongs to a and y belongs to b. Cartesian product of a and b is denoted by a cross b equals to set of ordered pair x y. इसको हम ordered pair x y बोलेंगे। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वेयर फर्स्ट एलिमेंट लाइज ऑन फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट लाइज ऑन सेकंड सेट मींस एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी होगा। ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। इट मींस एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और वाई बिलोंग्स टू बी होगा। सपोज एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 and set B equals to 4 5, then set of ordered pair A cross B हमें लिखना है। So set A में 3 element है और set A में 2 element है, तो 3 multiply by 2 means 6 होगा। तो A cross B में 6 element हो गए। अब इधर कौन सी set of ordered pair होगी? तो first element होगा वो set A का ही होगा, मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 आ सकता है और सेकंड पोजीशन पे 4 and 5 आ सकता है। सो ऑल पॉसिबल वैल्यूज हमें लिखनी है, तो 1 के साथ 4 1 5। अब फर्स्ट पोजीशन पे 2 लेते हैं तो 2 4 2 5, फर्स्ट पोजीशन पे 3 लेते हैं तो 3 4 and 3 5। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आर 6 हो गए। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बी जितने एलिमेंट होते हैं। अब हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया, सो वंस अगेन फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा और सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा। कन्वर्सली हम बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे सेट बी का एलिमेंट होगा, मिस्ट फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट 4 और 5 ही हो सकता है और ए पीछे है, मीन्स ए के एलिमेंट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के में सेकंड एलिमेंट में आ जाएगा। सो 4 के साथ 1 हो सकता है, 4 के साथ 2 और 4 के साथ 3 हो सकता है। सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट 4 लिया, सेट ए का सब एलिमेंट 1 2 3 था, 1 by 1 लिया। अब फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट 5 लेते हैं तो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट 1 5 2 होगा और 5 3 होगा। तो इधर भी हमें 6 एलिमेंट ही मिले बी क्रॉस ए में। बट ये दोनों की पोजीशन प्लेन में देखते हैं तो रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इधर x कोऑर्डिनेट 1 है और x कोऑर्डिनेट 4 है। इधर y कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 4 है। तो 0.14, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो 0.14 इधर होगा।
जबकि फॉर वन की बात करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट फॉर, वाई कोऑर्डिनेट वन, तो फॉर वन पॉइंट इधर होगा, बोथ पॉइंट आर डिफरेंट, सो वी कैन से दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, बट हम ऐसा तो बोल सकते हैं कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, तीन, तो नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू थ्री लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू टू लिख सकते हैं, एंड नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स होगा, दिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ऐसा होगा। तो ये हमारी एक फॉर्मूला हो गई कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होगा। तो वंस अगेन, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए एंड बी बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। दोनों में से एक भी सेट एम्प्टी होगा तो इफ ए और बी इज एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एम्प्टी सेट होगा। ए और बी में से कोई भी एक सेट एम्प्टी होगा तो ए क्रॉस बी भी एम्प्टी सेट ही होगा। सिमिलरली, हमने दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया, थ्री सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना होगा, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे लिख सकते हैं, थ्री सेट आएंगे, ऑल थ्री सेट्स आर नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अब इधर जो होगा, दो सेट थे तो उसको सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे, अब इधर तीन सेट है तो इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसमें सपोज हमने एक्स वाई और जेड लिखा तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट एक्स वाई जेड होगा, वेयर एक्स लाइज ऑन सेट ए, वाई लाइज ऑन सेकंड नंबर का सेट बी, एंड जेड लाइज ऑन थर्ड सेट सी होगा। तो ये थ्री सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया है। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी होगा। फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स नंबर ऑफ ए क्रॉस ए होगा, ए स्क्वायर मीन्स क्या होगा, ए क्रॉस ए मीन्स नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ ए होल स्क्वायर होगा। सिमिलरली, नंबर ऑफ ए क्यूब मीन्स नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए होल क्यूब हो सकता है। सो वंस अगेन, नंबर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए होल स्क्वायर, एंड नंबर ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए होल क्यूब होगा। अब ए और बी में से कोई भी एक सेट एम्प्टी होता है तो ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट होगा। ए और बी में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट होता है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट होगा। वंस अगेन, ए और बी में से कोई भी सेट इनफाइनाइट होता है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट होगा। अब दो ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं, सपोज एक्स वाई और दूसरी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी लेते हैं, तो ये दोनों सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इक्वल कब होगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, मीन्स एक्स इक्वल्स टू ए एंड वाई इक्वल्स टू बी होता है तो हम इधर इक्वालिटी कर सकते हैं, मीन्स दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकती है। सो वंस अगेन, दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल हो सकती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग वाई एलिमेंट्स मीन्स सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी दो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकती है। अब हम थोड़े इलस्ट्रेशन देखेंगे इसके,
एग्जाम्पल नंबर वन लिखते हैं कि इफ एक्स बाय थ्री प्लस वन एंड वाई माइनस टू बाय थ्री इक्वल्स टू फाइव बाय थ्री एंड वन बाय थ्री इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. इफ बोथ ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. सो फर्स्ट वी कंपेयर द एक्स फर्स्ट एलिमेंट. सो एक्स अपन थ्री प्लस वन इक्वल्स टू फाइव अपन थ्री होगा. एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट कंपेयर करते हैं तो वाई माइनस टू बाई थ्री इक्वल्स टू वन बाई थ्री होगा. सो ये फर्स्ट केस में हम थ्री एलसीएम लेते हैं तो एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव होगा. देयरफॉर थ्री राइट साइड ले जाते हैं तो एक्स की वैल्यू फाइव माइनस थ्री होगा, मीन्स एक्स की वैल्यू हमें टू मिलेगी. सिमिलरली इधर थ्री एलसीएम लेते हैं तो थ्री वाई माइनस टू इक्वल्स टू वन होगा. इट मीन्स थ्री वाई इक्वल्स टू वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री होगा. दोनों साइड थ्री से डिवाइड करते हैं तो वाई की वैल्यू वन मिलेगी. सो फाइनली हमें एक्स की वैल्यू टू एंड वाई की वैल्यू वन मिलती है. तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होता है तो एक्स एंड वाई फाइंड ऐसे कर सकते हैं. लेट वन मोर एग्जाम्पल. सेकेंड, इफ सेट ए हैज थ्री एलिमेंट्स एंड सेट बी इक्वल्स टू थ्री फोर फाइव, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. देन फाइंड द एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. तो हमें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है वो फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होगा. अब सेट ए में थ्री एलिमेंट है सो इधर थ्री आएगा. नंबर ऑफ बी मीन्स बी में भी थ्री एलिमेंट है तो इधर थ्री होगा. सो थ्री क्रॉस थ्री इक्वल्स टू नाइन. सो वी से दैट ए क्रॉस बी हैज नाइन एलिमेंट्स. ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए, नाइन एलिमेंट. वंस अगेन वन मोर एग्जांपल लेते हैं कि इफ पी इक्वल्स टू सेट एम एंड एंड क्यू इक्वल्स टू सेट एन एम एंड पी क्रॉस क्यू इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एम एन एंड एन एम इज गिवन, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हमें ऐसा डिसाइड करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो फाइंड करना है. वंस अगेन सेट P दे दिया है, सेट Q दे दिया है, P क्रॉस Q इतना दिया है तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है वो हमें डिसाइड करना है. और जो रॉन्ग होता है तो राइट स्टेटमेंट क्या हो सकता है वो भी लिखेंगे. तो पहले हम देखते हैं कि सेट P में दो एलिमेंट है, सेट Q में भी दो एलिमेंट है. सो P क्रॉस Q में टू क्रॉस टू फोर एलिमेंट होने चाहिए, बट इधर ओनली टू एलिमेंट्स दिया है, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकेंड एलिमेंट. सो गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग ही होगा. तो राइट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, तो हमें पी क्रॉस क्यू लिखना है. सो पी क्रॉस क्यू तो फर्स्ट पोजिशन पे पी के एलिमेंट एम, सेकेंड पोजिशन पे क्यू के एलिमेंट एन भी होगा और एम भी हो सकता है. अगेन फर्स्ट पोजिशन पे एन लेते हैं तो सेकंड पोजीशन पे एन होगा और एन एम होगा. सो पी क्रॉस क्यू हैज फोर एलिमेंट बट इट इज गिवन दैट ओनली टू एलिमेंट. सो गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स होगा. और राइट स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है, वन मोर एग्जांपल, इफ सेट ए इक्वल्स टू वन टू एंड सेट बी इक्वल्स टू थ्री फोर, और हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव. हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव. तो पहले हम बी इंटरसेक्शन फाइव फाइंड करेंगे. अब हम जानते हैं कि फाइव इज अ नल सेट, तो इसमें कोई भी एलिमेंट होता नहीं है, उसको ही नल सेट एम्प्टी सेट बोलते हैं. तो बी का
नल सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों के कॉमन एलिमेंट हमें इधर लिखने हैं। वंस अगेन, बी एंड फाई दोनों का कॉमन एलिमेंट इधर हमें लिखना है, लेकिन बी में दो एलिमेंट है, फाई में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सो बी इंटरसेक्शन फाई इज नल सेट ही होगा, वो एम्प्टी सेट ही होगा। अब हम जानते हैं कि दोनों में से एक भी सेट एम्प्टी सेट होता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई ऑल्सो नल सेट ही होगा। ये दोनों में से ये सेट नल सेट है तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट मीन्स नल सेट ही होगा। लेट वन मोर एग्जांपल, इफ सेट ए इक्वल्स टू माइनस वन एंड वन इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड आउट सेट ए क्रॉस ए। ए इतना दिया है तो हमें ये फाइंड करना है, ए क्रॉस ए। तो इधर सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट होगी। सो ए क्रॉस ए इक्वल्स टू कितने एलिमेंट होंगे? तो इधर ये सेट ए में दो एलिमेंट है तो टू क्रॉस टू मीन्स ए क्रॉस ए में टोटल एट एलिमेंट होने चाहिए। सो एट एलिमेंट लिखते हैं तो ऑर्डर ट्रिपलेट माइनस वन माइनस वन माइनस वन, एक एलिमेंट ऐसा होगा। सेकंड एलिमेंट माइनस वन प्लस वन, अभी एक पोजीशन पे पॉजिटिव लिया, दो पोजीशन पे नेगेटिव लिया। अब उसके पोजीशन चेंज करते हैं तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन होगा। पहले वन थर्ड पोजीशन पे था, इधर सेकंड पोजीशन पे, अब वन फर्स्ट पोजीशन पे होगा। सो फोर्थ एलिमेंट ये होगा। नाउ दो वन लेते हैं मीन्स टू एलिमेंट पॉजिटिव एंड वन एलिमेंट नेगेटिव लेते हैं तो माइनस वन प्लस वन प्लस वन। अगेन इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज करते हैं, वन माइनस वन वन, अगेन चेंज करते हैं तो वन वन माइनस वन होगा। और लास्ट में तीनों पॉजिटिव एलिमेंट मीन्स वन वन वन। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गए। सो कैसे लिखना है? तो ऑल थ्री नेगेटिव लेना है, ऑल थ्री पॉजिटिव लेना है, वन पॉजिशन पे पॉजिटिव लेना है, दो पॉजिशन पे नेगेटिव लेना है, उसके पॉजिशन चेंज करके थ्री एलिमेंट लिखने हैं, फिर दो जगह प्लस वन लिखते हैं और एक जगह माइनस वन, तो माइनस वन की पोजीशन चेंज करके लिखना है। सो ये हम इजीली लिख पाएंगे ऐसा ए क्रॉस ए। नाउ वन मोर एग्जांपल, सपोज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए एक्स ए वाई बी एक्स एंड बी वाई इज गिवन, देन फाइंड सेट ए एंड बी। हमें सेट ए और सेट बी फाइंड करना है। हम जानते हैं कि इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे जो होता है वो सेट ए का एलिमेंट होगा और जो सेकंड पोजीशन पे होता है वो सेट बी का एलिमेंट होगा। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट होंगे? ये दोनों कॉमन ए है, ये दोनों कॉमन बी है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली ये दो एक्स है, ये वाई है, अगेन एक्स अगेन वाई, सो एक्स एंड वाई आर एलिमेंट ऑफ सेट बी। सो वी राइट दैट ए इक्वल्स टू सेट ए बी एंड सेट बी इक्वल्स टू एलिमेंट एक्स एंड वाई होगा। सो हमें सेट ए और बी फाइंड ऐसे कर सकते हैं। अब आपके लिए थोड़े दो तीन सम देता हूं खुद को सॉल्व करने के लिए, होमवर्क के लिए। सो फर्स्ट वन, इफ जी इक्वल्स टू सेवन एट एंड एच इक्वल्स टू फाइव फोर टू, देन फाइंड जी क्रॉस एच
एंड एच क्रॉस जी, आपको जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी फाइंड करना है। सेकंड होमवर्क का सम, इफ एक्स प्लस वन वाई माइनस टू इक्वल्स 3 1, देन फाइंड एक्स एंड वाई, देन फाइंड एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड लास्ट थर्ड वन, इफ पी इक्वल्स टू 1 2, देन फाइंड पी क्रॉस पी आपको फाइंड करना है। फर्स्ट डे आप इतना सॉल्व करो, फिर सेकंड लेक्चर में आगे हम दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के सम सॉल्व करेंगे।